वह जो लोग बोले थे टिकटॉक गया, टाटा बाय बाय खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो आज यहाँ पर टिकटॉक की तरफ से एक न्यू अपडेट आ रहा है। टिकटॉक ने एक रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिया, चाहे वो डाउनलोड के मामले में या फिर अर्निंग के मामले में। दोस्तों टिकटॉक को अभी तक फेसबुक के बाद सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप माना गया है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक ने जो है 3 बिलियन से ज्यादा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियन, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियन, 3 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं टिकटॉक को। तो गाइज यहाँ पर अर्निंग भी बहुत ज्यादा, एकदम हाई प्रोफाइल अर्निंग यहाँ पर कर चुका है टिकटॉक एप्लीकेशन। तो गाइज जैसे आपको पता है इंडिया में टिकटॉक बैन है इस टाइम, लेकिन उसके बाद भी रिकॉर्ड बना दिया टिकटॉक ने, चाहे वो डाउनलोड से रिलेटेड हो या फिर अर्निंग के मामले। तो गाइज पूरा मामला क्या है, चलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। टिकटॉक किस तरह से यहाँ पर एकदम हाई रैंक पर इस टाइम पर चल रहा है आफ्टर फेसबुक, सबसे ज्यादा डाउनलोड टिकटॉक को इस बार किया जा चुका है। तो गाइज पूरा मामला क्या है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ। जो लोग मुझे बोल रहे थे जब मैं टिकटॉक पर वीडियो बना रहा था कि भाई तुम तो प्रमोट कर रहे हो टिकटॉक को, टिकटॉक के ऊपर आप ऐसे न्यू अपडेट बताते हो, टिकटॉक को प्रमोट कर रहे हो इलीगली, वैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट में आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, और इस आर्टिकल का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहां पर जाके इसको केयरफुली रीड कर लेना। क्योंकि यहाँ पर जब से लॉकडाउन लगा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा 63% इंक्रीज हो चुका है इम्पोर्ट चाइना और इंडिया के बीच में। तो दोस्तों जैसे कि एक चीज हम सभी लोगों को पता है, इंडिया ने जब टिकटॉक को बैन किया था और भी 59 ऐप्स को बैन किया था, तो यहाँ पर रीजन क्या बताता है, इंडियन यूजर का जो डाटा है वो यहाँ पर सिक्योर नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी सही नहीं है टिकटॉक की, तो इसलिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक यहाँ पर बैन कर दिया था। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, टिकटॉक को बैन करने के बाद भी टिकटॉक पर घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, टिकटॉक उसी तरह से अभी भी बूम कर रहा है, उसी तरह से अभी भी बिजनेस टिकटॉक का चल रहा है, और डे बाय डे उसके डाउनलोड इंक्रीज होते हैं, डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा लोग टिकटॉक को डाउनलोड करे। तो एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, टिकटॉक बैन होने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी इंडियन गवर्नमेंट का जो बिजनेस है चाइनीज के साथ में वो अभी भी कंटिन्यूसली ऐसे ही चल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये, 63% ज्यादा इंक्रीज हो चुका है चाइना बिटवीन इंडिया के जो बिजनेस है, 63% ज्यादा अभी और इम्पोर्ट कर रहा है इंडिया चाइना से। तो गाइस मैं यहाँ पर टिकटॉक को कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपके सामने एक चीज यहाँ पर एक्सपोज करना चाहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो अपने भले के लिए कर रही है, जो भी वो करती है अपने बेनिफिट के लिए करती है। क्योंकि अगर आपको इतना ही शौक है चाइना को बाइकआउट करने का, तो फिर उसके साथ में इतना ट्रेडिंग क्यों कर रहे, क्यों वहां से इतना सारा सामान आप लोग इंपोर्ट कर रहे। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है चाइना को बाइकआउट करना, तो सीधे तरीके से जो भी ट्रेड है, जो भी इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, सारा बिजनेस को आप स्टॉप कर दीजिए ना। सो आई मीन टू से मतलब आपका जो बिजनेस है चाइना के साथ में वो ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जहां पर आपका बेनिफिट है वहां पर आपको कोई भी प्राइवेसी का खतरा नहीं, लेकिन टिकटॉक चलाने से आपका पूरा प्राइवेसी खत्म हो रहा है, पूरा एक्सपोज हो रहा है, तो यार ऐसा नहीं चलने वाला है। तो वैसे चलिए छोड़िए इन सब बातों को, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ टिकटॉक के बारे में क्या कुछ न्यू अपडेट आ रहा है। टिकटॉक ने 3 बिलियन डाउनलोड का आंकड़ा किया पूरा, बनाया नया रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते गाइस 30 करोड़ से ज़्यादा अभी तक टिकटॉक को डाउनलोड मिल चुके हैं। अगर टोटल यहाँ पर डाउनलोड को काउंट किया जाए तो 38.3 करोड़ होता है, इसमें 30 करोड़ एंड्रॉयड से किए गए और 8.3 करोड़ iOS के थ्रू यहाँ पर डाउनलोड किया गया है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड में कोई भी यहाँ पर कमी नहीं आ रही, और डे बाई डे यहाँ पर टिकटॉक और ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, और ज़्यादा डाउनलोड इसके बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइस इंडिया में ये बैन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में अभी भी लोग टिकटॉक यूज़ कर पा रहे, बहुत सारे ट्रिक ऐसे हैं जिनको यूज़ करके अभी भी आप टिकटॉक चला सकते हैं। टिकटॉक ने 3 बिलियन 30 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया, ऐसा करने वाला यह पहला नॉन फेसबुक ऐप है। भारत में बैन होने के बावजूद इस चीनी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की दुनिया भर में भारी डिमांड है। टिकटॉक को ग्लोबली एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पर 383 मिलियन यानी 38.3 करोड़ बार डाउनलोड किया गया, यानी iOS और एंड्रॉयड को मिलाकर 38.3 करोड़ टाइम डाउनलोड किया गया टिकटॉक को। इस समय टिकटॉक ग्लोबली सबसे ज़्यादा पेड नॉन गेमिंग ऐप है। 2021 की पहली यानी फर्स्ट 6 मंथ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 383 मिलियन यूज़र ने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया। इस ऐप पर यूज़र ने 919.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर अर्निंग में कोई भी यहाँ पर टिकटॉक की कमी नहीं आ रही है, दिन रात दिन दोगुनी रात चौगुनी यहाँ पर तरक्की टिकटॉक ऐप यहाँ पर कर रहा है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, टोटल अभी तक टोटल कितना अर्निंग हो चुका है टिकटॉक का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई। तो यहाँ पर आप देख सकते भारत में बैन के बावजूद भी ज़बरदस्त कमाई, जी हाँ दोस्तों भारत में बैन है लेकिन उसके बाद भी टिकटॉक की कमाई में थोड़ी भी यहाँ पर कमी नहीं आई है। जो पहले अर्निंग थी टिकटॉक का उससे भी ट्रिपल ट्रिपल टाइम ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग हो रहा है टिकटॉक का। तो यहाँ पर पूरा आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं।
गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबली यूज़र यहाँ पर बताया गया है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी टिकटॉक के यूज़र है, ग्लोबली यूज़र द्वारा टिकटॉक पर किया गया खर्च 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो कि ऑसम और आउटस्टैंडिंग, इतना ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग हो रहा है टिकटॉक का। 2014 से लेकर अब तक केवल 16 नॉन गेमिंग ऐप यूज़र द्वारा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के आंकड़े तक पहुँचे हैं। तो यहाँ तक यार मतलब एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड यहाँ पर टिकटॉक ने बना दिया है। सो गाइस ओवरऑल अगर हमें बात करें टिकटॉक के डाउनलोड की या फिर अर्निंग के मामले, तो टिकटॉक इंडिया में बैन होने के बाद भी इस पर घंटा भी 1% में यहाँ पर कोई भी फर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है। टिकटॉक जो स्पीड में पहले ग्रो हो रहा था वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। टिकटॉक ऐप दिन ब दिन यहाँ पर और ज़्यादा फेमस होता जा रहा है और नए नए रिकॉर्ड यहाँ पर बनाता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकटॉक को डाउनलोड कर रहे हैं, टिकटॉक पर वीडियोज़ बना रहे हैं, बस इंडिया को छोड़ के, क्योंकि इंडिया में मेरे ख्याल से ज़्यादा ही कुछ प्राइवेसी पॉलिसी का खतरा है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो भाई चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, कुछ दिन बाद इंडिया में एक बार फिर से टिकटॉक लॉन्च होने वाला, क्योंकि अभी तक जो भी शॉर्ट वीडियो ऐप आए, चाहे वो मौज हो या फिर एमएक्स टकाटक, जितने भी है वो सब चिल्लर पार्टी है। टिकटॉक के सामने ये सब कुछ भी नहीं है, टिकटॉक इन सब का बाप ऐप है।